हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी के न्यू वीडियोस में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं रालकला झिरपानी में खड़ी हूँ। रात में दीदी के घर में ही उधर सो गए थे और बाबू अभी अलीसा के पास रात में ही छोड़ दिए थे। फिर अभी जाएंगे अलीसा के पास, बाबू कहीं उठ जाएगा तो परेशान। रात में ज़्यादा रात हो गया ना तो हम बोले कि और वो लोग भी दो जन थे तो मैं कैसे उन लोगों के साथ मतलब सोऊंगी। तो मैं बोली कि नहीं, तो आप लोग को बता दूँ मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। गोलू और मेरा भाई हो गया तो बहुत खतरनाक वाला कल फाइट, इसलिए हम ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाए। होता है लड़ाई झगड़ा होता है हर कपल्स के बीच में, लेकिन मेरा जो लड़ाई वाला हो गया था वो कुछ फैमिली का मैटर को लेके लड़ाई हो गया था। तो इसकी वजह से क्या होना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मेरा फैमिली को लेके ये चीज़ हुआ करके। तो फिर मैं वहाँ पे नहीं रुकी, फिर मैं चली गई। वो खुद ही बोला कि चलो हम ही ट्रेन बिठा देंगे, फिर वो खुद ही ट्रेन बिठा दिया था। फिर हम चले आए और बाबू को लेके हम आ गए। फिर आए यहाँ पे कितना रात में हम पहुँचे, 8 बजे पहुँचे। 8 बजे पहुँचने के बाद अलीसा का घर गए, अलीसा यही सामने में रहती है, झिरपानी में ही रहती, वहाँ पे गए। उसके बाद बाबू को छोड़ दिए, बाबू वहाँ पे खेल रहा था। फिर दीदी लोग फ़ोन की कि आ जाओ थोड़ा सा मिल लेंगे, बहुत टाइम के बाद आए। सामने में ही रहती है, बस अलग अलग गली है, ये गली है वो गली वो है ऐसे में। तो फिर आए उन लोग से मिले, फिर रात में फिर वही लोग के साथ सो गए। सोचे कि वहाँ पे वो अलीसा का जो पति है वो तो मेरा जमाई है ना, तो मैं उनके साथ कैसे सो सकती हूँ। मैं बोली कि नहीं, मैंने तीनों साथ में ही सोना था, तो मैं बोली कैसे सो सकती हूँ। तो उसके लिए हम अलग अलग सो गए और हम बोले कि नहीं यहीं पे सो जाते। फिर अलीसा को फ़ोन करके पूछे कि बाबू, बोले हाँ ठीक है, तो हम फिर यहीं सो गए दीदी लोग के पास में। अभी जाएंगे बाबू लोग के पास में। और अभी अभी कुछ देर पहले ही 8 बजे मेरा यहाँ से बस है गाँव के लिए, फिर हम डायरेक्टली गाँव निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम कितना देर तक मतलब रहेंगे, तो अभी हम गांव निकल जाएंगे। और यार गोलू को ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, मैं नहीं, गलती हम दोनों की तरफ से हुआ था, लेकिन शायद बात अगर मैं रहती तो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या किया ना कि हमको लगा कि नहीं चले जाना ये ठीक है, और मम्मी पापा का भी याद आ रहा था हमको, तो हम सोचे कि चले आते हैं करके। हर कपल सब इसमें होता है, लेकिन मेरा वाला थोड़ा अलग था। हो गया, अब देखो दीदी आ रही है, बोला दुकान गई है, अब साथ में अलीसा का रूम चलेंगे, वहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर इधर से ही निकलना पड़ेगा मेरे को। बाबू से भी मिल लेगा, दीदी पिछले बार आए थे तो बाबू को लेके नहीं आए थे, फ्रेंड का शादी में आए थे ना, तो नहीं मिली थी, तो बोले इस बार मिलवाएंगे दीदी को। तो बोले चलो आप भी चलो करके, फिर अभी दुकान गई है वहाँ पे, आएगी तब ना। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, सुबह सुबह इतना पता इतना फोक्स गिर रहा है, मतलब पूरा कुहासा सब तरफ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इधर, पूरा कुहासा है। कब आएगी वो तो दिख ही नहीं रही है, खड़ी हूँ कब से। अरे जल्दी आ जाती तब ना। मैया गाइस देखो, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे बोल के दीदी इतना सारा दे रही है, क्या खुशी में। वैलेंटाइन्स डे तो थोड़ा जा रहे हैं हम लोग। अरे कोई बात नहीं, अरे यार इतना मत दिया करो, भरोसा नहीं किया है आप भी तो नहीं किया है। देख रही हो गाइस, वैलेंटाइन्स तो दीदी हमसे मना रही है। अब गोलू तुम जेल बैठ के लड़ी कर मेरे सब्जेक्ट, मेरे पे इतना चॉकलेट मिल रहा है, साथ में आया होता तो तुम वैलेंटाइन्स मतलब मना लेते। बोलो बोलो, क्यों झगड़ते हो मेरा बहन के साथ। वही ना, ये बहुत बुरी बात है ना। तो गाइस थैंक यू सो मच, आइसक्रीम बर्दाश्त भी नहीं किए, बताओ यार इतना सोचती है। अरे यार इसे ही खाने के लिए बोल रहे, कितना सोचती है दीदी। सब दिन तो ब्रश करते हैं, आज नहीं करने सकते। सबको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड हैप्पी सरस्वती पूजा, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती पूजा भी है, आज ही का दिन है ना। हाँ, सरस्वती हाँ, पूजा हाँ, है ना। हाँ तो आज ही का दिन है। हद देखिए कितना ज्यादा कुहासा किया हुआ है, देख रहे हैं पूरा कुहासा। गाइस अभी आए हैं अलीसा के रूम पे और अभी अभी भी आराम से प्रेस हो रहा है, तो उसको अब जगाते नहीं है। अभी देखिए नाश्ता पानी हम लोग का चाय और लिमकी एकदम गरम गरम, अभी वही खाने वाले हैं। और भी कुछ कुछ अलीसा दे रही है, निकाल निकाल के कहा दे रही है अलीसा। कहाँ कर रखी है, देख रहे गाइस कहाँ कर रखी रहती है, कहाँ कर दे रही है निकाल निकाल के, खा खा के अभी देखना ही तो मोटी हो जाएंगे अलीसा ऐसे। बस बस एक पीस, उससे ज़्यादा नहीं, एक पीस। अच्छा बुरा है, बस 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 रुको रख लो, बस कर रहे हो यहाँ भी नहीं है, यहाँ यहाँ पापा खोला अपना दो। तो गाइस अभी हम नाश्ता कर चुके हैं और अभी बहुत मस्त खेल रहा है यहाँ पे। अरे तुम तो खेल रहा है ये अच्छा से खेल रहा है। अभी हम लोग निकलते हैं, अब अलीसा का हस्बैंड बोलेगा छोड़ करके। खाया नहीं, कैसे नहीं खाए बताओ, थोड़ा सा बस पूरा ही खा लो। अरे तो मेरे को ठंड है, मेरा गला समझ रहा ना, मेरा तबीयत इन लोग का बताया, मेरा गला थोड़ा सा हो गया, तो इसलिए सुबह सुबह का टाइम है ना।
कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बोलो बड़ी मम्मी फिर आएंगे तो फिर खाएंगे। इसे बांधी होगी तो ताकि नहीं खुले, है कि नहीं? बोल तो नहीं खुलेगा। छोटी लड़की जान गई, इसे बांधती है ताकि नहीं खुलेगा। आप बोल रही है जी का फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं। बाय अभी तुम यहाँ पे खेलना ठीक है। बाय अभी अभी हम लोग जा रहे हैं। फाइनली अभी घर पहुंच गए, यानी कि गांव पहुंच गए अभी जस्ट। और अभी हम थोड़ा सा बाहर तरफ गए थे, इधर थोड़ा सा बैठ बैठ के ना कमर दर्द होने लगा था, हम थोड़ा सा बैठ के इधर ये हो गया था। इधर का जितना भी हम लोग ऑरेंज था सारा ख़त्म हो गया, हम सोचे थे मस्त आएंगे खाएंगे, बट कोई नहीं, अब चलते हैं अंदर की ओर। वाह पूरा ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश कद्दू कद्दू लौकी लौवा इतना इतना। गाइस ये रहा हमारा घर का जो छत है, अल्वेस्टर के ऊपर में ये जो कद्दू वाला पेड़ पूरा फैल गया है और इसमें बहुत सारे कद्दू फलता है, बहुत सारे ही, मतलब ये घर वाला कद्दू है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। मैया गिरी तो सर गिरी गायब। मैं तो कूद गई, ये देखो बहुत गंदा हो गया अभी मेरा पूरा देख के। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे बाहरी साइड आ रहे हैं। क्या लिप्सा बोल रही थी कि हमारा जो बनाना का पेड़ है ना उसमें फूल आया है, तो मैं कभी बनाना का फूल नहीं देखती हूँ, तो मैं वही देखने के लिए इधर आ रही थी। कहाँ लिप्सा कहाँ फूल बोल रही थी तुम? अच्छा ऊपर में है तो रुको 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 रुको। अरे मैंने पूरा अंदर में है, मतलब अंदर में फूला हुआ है, ठीक से नहीं दिख रहा है। दिखता तो ठीक से दिखा भी देते। का हुआ गिर गया? देखो वो दौड़ रहा था, वो गिर के पैर छिला गया, रोने लग रहा है। ये जान गए लिपू वो से गिराई है। तो गाइस देखिए ये रहा हमारा सारा ना, इतना इतना सारा तुलसी का पेड़ निकला हुआ है, वो भी अपने से, मतलब खुद से निकला हुआ है। देख रहे हैं पूरा सब तरफ पूरा भर गया, इतना सारा तुलसी का पेड़ है, बहुत सारा निकल गया है। तो गाइस अभी हम लोग ना अपना बारी आए हैं खेत, और यहाँ पे ना कुछ कुछ चास उस कर रही है, मतलब करा हुआ है मम्मी पापा, कुछ कुछ लगाए हैं घर का खाने के लिए। साग लगा हुआ है देखो, इसको बोलते हैं ये वाला कौन सा साग है, इसको देख के पहचान ही गए। ये भाजी साग है, देखो ये वाला भाजी साग है ठीक है, इधर पूरा भाजी साग है भाजी साग। ये बैंगन का कुछ लगा हुआ है, और फिर इधर पालक वाला साग है भाजी साग, ये धनिया है, तो उधर पूरा लगा हुआ है। अलग मम्मी क्या कर रही है? अच्छा पानी डालेंगे तो लटक गया है, तो आपको सीधा कर रहे हैं, मतलब ये सब जो है ना वो पानी लगने के बाद सो गया है ना, तो उन लोग कैसे उठा रही है मम्मी ऐसे देखिए। उन लोग पानी ज़्यादा डालने से क्या होता है ना, वो मतलब गीला हो जाता है ना, तो वो मतलब सो जाता है ऐसे ही, तो उसको थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा। और गाइस देखिए ये रहा बेर, पका हुआ था ठीक है, तो मम्मी जब मतलब पेड़ से लेके आगे यहाँ पे रखी हुई थी, तो थोड़ा अच्छा लगता है ये वाला बेर ठीक है। हम सोच रहे अब यही वाला बेर को थोड़ा सा खाएंगे, कि हम तो भाई खाए ही नहीं थे ना। और ये रहा हमारा पानी पटाने वाला, बिल्कुल ऐसा पटाना है। बोलो मेरा नानी का बारी में स्वागत है गाइस, आइए पालक खिलाएंगे, भाजी खिलाएंगे, धनिया खिलाएंगे। कहे हम लोग नहीं खिला सकते का? तो
और गाइस अभी आप लोग को कुछ कुछ दिखाते हैं, कुछ पेड़ दिखाएंगे, अगर आपको अगर पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। ये भी हमारा ही पेड़ है, मतलब इसमें एक दाल का पेड़ है, लेकिन कौन सा दाल का पेड़ आप लोग बताइए, ठीक है। मेरे मम्मी पहले ही बोल दे रही है, दूर से ऊपर से दिख नहीं रहा है, ये वाला पेड़ है, ठीक है, ये वाला पेड़ है, बताओ ये वाला कौन सा पेड़ है, ये वाला ये उसका फूल दिया है, ये वाला, ये देखिए फूल दिया है, यही वाला पेड़ है, मतलब इसमें आप लोग तो रहड़ दल खाए होंगे ना, तो ये रहड़ दल वाला पेड़ है, तो मम्मी ये वाला भी चार्ज करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है ये वाला करते हैं तो हमारा पूरा साल भर खाने के लिए हो जाता है। प्लस और भी यहाँ पे चना उना का यहाँ पे मतलब बुना हुआ है, और लाल वाला चना नहीं होता है, कबली वाला, मतलब कबली क्या बोलते, नहीं पता, लाल वाला वो वाला भी चना का पेड़ इधर लगाया हुआ है, मतलब सारा चीज़ें लगाए हुआ है, अभी मतलब हुआ नहीं है, होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख रहे हैं ये वाला जो खेत है ना, देखो इसमें, और ये रहा चन्ना का पेड़, मतलब छोटा छोटा है ना तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, इसमें बड़ा होने में भी टाइम है, बड़ा होगा ना तो फल लगेगा, तो इसमें खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये रहा बेर का पेड़, यहाँ पे बहुत सारा बेर गिरा हुआ है, देखिए पक्का उक्का थोड़ा सा कच्चा उच्चा, देख रहे हो यहाँ पे, देखो इतने सारे, वो रो रहा है अभी कितना पता नहीं, अरे क्या हुआ रे, काहे चीख रहा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ना अभी साग निकालनी हूँ, ये रहा पालक साग, में इतना ही निकाली हूँ, अब छोटा छोटा है, मैं वही थोड़ा देर अभी सब्जी खाने के लिए थोड़ा सा करके निकाली थी, अब थोड़ा सा और निकालेंगे ताकि अभी सबके लिए हो जाए। तो इसको अभी हम पहले रखते हैं पालक साग को, उसके बाद ही निकालेंगे। भाग गया था मुझे निकालो, भाग गया। तो ये सभी शाम का टाइम हो गया, और अभी भी हम लोग बारी में ही एकदम रात होने वाला आया है, मतलब पूरा शाम हो गया, और जितना आसपास में जितना भी थे लोग सब चले गए हैं, मैं और मम्मी और बाबू ही खाली यहाँ पे है खेत में, अभी हम लोग कुछ देर के बाद यहाँ से चले जाएंगे, बस मम्मी पटा ही लिए सारा, इधर जितना पानी देना था उधर देखिए सारा वो कर ही लिए, तभी हम लोग निकल जाएंगे थोड़ा देर के बाद में। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गोलू के बारे में अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो सॉरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो, बाय बाय, मिलेंगे न्यू व्लॉग में। और गांव आए हैं तो आप लोग क्या देखना पसंद करोगी, और क्या क्या चीज़ें मेरे को कमेंट करना, ताकि मैं मेरे से इधर जो 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 कुछ भी हो जाए मैं पॉसिबल करूँगी दिखाने के लिए, ठीक है, बाय, बोलो बाय, बोल दो बाय बाय बाय।